Assalamualaikum, welcome back to our YouTube channel vlogging मंतिशा। तो जी मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए मटर पनीर की मज़ेदार सी रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई करना और उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ फुल वॉच किया कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो जी यहाँ पर मैंने हाफ के जी मटर ले ली थी और मटर को मैं ऑयल में खूब अच्छे से फ्राई कर लूँगी पहले, क्योंकि मटर जो है जितने अच्छे से फ्राई हो जाएगी उतनी अच्छी लगेगी और बनने में मज़ा आएगा। तो जी उसके बाद हमारी मटर जो थी वो फ्राई हो गई थी। उसके बाद मैंने 1 चम्मच मैंने ऑयल लिया था, उसमें 1 प्याज मैंने कट करके डाल दिया था और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था। और ज़ीरा डालने के बाद हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। और अदरक लहसुन का पेस्ट आप देख सकते हैं खूब अच्छे से हमें भूनना है। तो जी जब ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम मसाले लेंगे। तो जी मैंने मसाले लिए थे 1.5 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया था मैंने। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और अपने मसालों को भूनते जाएंगे। मसाला जितने अच्छे से भूनता है वो उतना ही टेस्टी बनता है और उसमें कोई भी हल्दी वगैरह की स्मेल नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरा मसाला भुनने लगा है, साइडों से ऑयल आने लगा है। फिर हम इसमें थोड़ी देर थोड़ा सा और पानी डाल के भूनेंगे और ये देखिए कितना अच्छा सा इसके ऊपर ऑयल आने लगा है। इसी स्टेज पे हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची कट करके डाल देंगे। हरी मिर्चों का एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ मेरा मसाला कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। तो जी इसी स्टेज पे हम इसमें अब अपनी मटर और पनीर हमारा जितना भी हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अपनी मटर को और पनीर को कितने अच्छे से इसमें ऐड कर दिया है अपने मसालों में और हम इसे खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि हमेशा बोलती हूँ मैं अपनी वीडियोस में, जितना अच्छे से हमारा सब चीज़ें मिक्स होती हैं उतनी ही अच्छी हमारी वीडियो और हमारी रेसिपी बनकर रेडी होती है और उतना ही मज़े से हम इसे खाते हैं। तो जी आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को फुल वॉच किया कीजिए, वीडियोज़ को फुल वॉच किया कीजिए, स्किप ना किया कीजिए। तो जी इसी स्टेज पे हम इसमें 1/2 कप के करीब पानी डालेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और 5 मिनट बाद जब आप खोलेंगे ना तभी ऐसा दिखेगा, एकदम मज़ेदार और झट से बनने वाला ये मटर पनीर की रेसिपी है। आई होप आपको पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई करना। इंशाल्लाह आपको मैं फिर एक और वीडियो, रेसिपी, ब्लॉग या फिर किसी और चीज़ के साथ हाजिर होंगी आपके साथ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर योरसेल्फ।